तो दोस्तों अभी मैंने अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और आप देखते हैं मेरे यहाँ पे दो अकाउंट मैंने लिंक करके रखे हैं, जो कि पहला है पे जियो पेमेंट बैंक और दूसरा है पेटीएम पेमेंट बैंक। और अभी इन दोनों बैंक अकाउंट में से मैं किसी एक बैंक अकाउंट को यहाँ पे हटाना चाहता हूँ, तो वो आप कैसे हटा सकते हैं, इसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल लाइव यहाँ पे बताने आ रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ आपको यहाँ पे ये ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, वो भी आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो जैसे आप अपने अमेजोन एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाता है। अब आपको सिंपल सा करना क्या है, अमेजोन पे का ऑप्शन मिल जाता है, आप देख सकते हैं, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपका ऊपर ही ऊपर आपको देख सकते हैं अमेजोन पे बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, और उसके आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे लेफ्ट साइड में तो आप देख सकते हैं अमेजोन पे लेटर, और उसके आगे आपको मिलेगा अमेजोन पे UPI, आप देख सकते हैं। तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक करके रखे वो यहाँ पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने दो बैंक लिंक करके रखे हैं, और अब आप इन दोनों में से किसी एक बैंक अकाउंट को यहाँ पे नहीं हटा सकते, या दोस्तों नहीं हटा सकते। अमेजोन पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, आप चाहे कितनी भी वीडियो देख लेना, एक भी ऑप्शन आपको ऐसा नहीं मिलेगा अब तक। तो अमेजोन क्या बोलता है कि आप बैंक अकाउंट अलग अलग लिंक कर सकते हैं, लेकिन आप उन बैंक अकाउंट को अलग अलग नहीं हटा सकते, यानी कि अनलिंक नहीं कर सकते। तो आपको इन दोनों बैंक अकाउंट को अनलिंक करना होगा, फिर आप अपने हिसाब से एक बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर प्रोसेस है। अब आपको इसको हटाना है तो सिंपल सा करना क्या, आपको मोर ऑप्शन का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, देख सकते हैं नीचे, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा डी रजिस्टर अमेजोन पे UPI, आप देख सकते हैं, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही अब आपको यस डी रजिस्टर अमेजोन पे UPI पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपकी दोनों की दोनों अमेजोन पे की जो UPI ID यहाँ पे सक्सेसफुली डी रजिस्टर यहाँ पे हो चुकी है, आपको सिंपल सा बैक टू अमेजोन पे पर आ जाना है। और आप देख सकते हैं हमारी जो UPI ID यहाँ पे देख सकते हैं हट चुकी है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। और दोस्तों एक डाउट हो रहा था कि जो अमेजोन पे का बैलेंस है वो आप पे कटता है या नहीं, आप देखते हैं आपका अमेजोन पे बैलेंस पर आपका कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, आपका अमेजोन का जो बैलेंस है यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों अब आप वापस इसके अंदर अपना जो बैंक अकाउंट है उसको यहाँ पे लिंक कर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों यही आज की वीडियो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।